साथ आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। कि हमारा ये धार्मिक बिलीव है कि दुनिया में जो कोई पैदा होता मुसलमान पैदा होता। सनातनियों को न चादर न फादर, हमारा अपना बाप है ना। अगर ऐसे लोग हमारे आदर्श हैं तो वो धर्म गड्ढे में जाए। तो आपने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आदर्श माना हुआ है। जो रामचरितमानस की प्रति जला के सम्मानित नेता हैं, हाँ तो प्रति जला के रामचरितमानस की लड़ रहे हैं। किसी और धर्म ग्रंथ की जला के देखे ना। 156 इंच का सीना लेके कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ। पशु की पूजा करेंगे, आदमी का सिर काट देंगे। किसका सिर काटा भाई? आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में बात होगी सनातन धर्म की, और सनातन धर्म को लेकर कुछ और बड़े तथ्य और इतिहास के सत्य लेकर आज मैं आपके सामने रखूंगा। ये देश है हमारा में जनता जनार्दन के बीच होगी वीकेंड की ये सबसे बड़ी बहस। न्यूज 18 पर ये देश है हमारा, क्योंकि सनातन का सम्मान सेकुलर परेशान। ये सनातन की ग्लोबल ताकत है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हिंदू होने पर गर्व जता रहे हैं। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. लेकिन अपने ही देश में इंडिया गठबंधन के कुछ साथी हिंदू और सनातन के खिलाफ नफरती जहर उगल रहे हैं। மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை வந்து நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா, இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். உண்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்லை, அது ஒரு அருவறுப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது. மும்பை மே கியா ஃபேசலா கியா தா ஆப் லோகோ நே கி கியா ஹிந்து ஆஸ்தா, ஹிந்து விஸ்வாஸ், ஹிந்து சிந்தன் கே கிலாஃப் இஸ் தரஹ கி ஷர்மநாக் விபத்ஸ் டிப்பணி கி ஜாயேகி. யே வஹி ஏ ராஜா ஹை ஜோ 2G घोटाले के आरोप में 15 महीने जेल में बिता चुके हैं। अब जरा इंडिया गठबंधन के कुछ और साथियों की मानसिकता देख लीजिए। Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था, और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए तो राज्य में भी करने का प्रयास कर रहा है हमारे। सोची समझी रणनीति है कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को खत्म करने की बात करो, क्योंकि हिंदू तो वोट बैंक नहीं समझते, मुस्लिम वोट बैंक है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने तो हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर ही सवाल उठा दिए। क्रिश्चियन धर्म मंदिर है, क्रिस्त धर्म मंदिर यहाँ हुटिसिद्रो हिंदू धर्म इन्हों क्वेश्चन मार्क के बिजी दे तंदिला क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार के लोग कोशिश मानसिकता से ओतप्रोत है, और सनातन धर्म सनातन है, अनंत है। लेकिन मुद्दा सनातन से हेट का नहीं है, सवाल है क्या आखिर इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक के बाद हिंदू और सनातन पर हमले की होड़ क्यों लग गई है? क्या वाकई ये विपक्ष की सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है? ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अपने देश में कुछ विपक्षी दल हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ हेट का एजेंडा क्यों चला रहे हैं? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
और इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ आ जुड़ रहे हैं कई खास मेहमान। सबसे पहले तो जोरदार तालियां सारी ऑडियंस के लिए हमारे साथ मौजूद है। और आज एक बेहद बड़ा खास पैनल है। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देवकी नंदन ठाकुर है, उनको अभिनंदन है। राजकुमार भाटिया मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। मेरे साथ साजिद रशीदी है, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर है, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। शादाब चौहान, तो आपके पूर्वज भी हिंदू थे ऐसा गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं। देखिए गुलाम साहब किसके गुलाम हैं मैं उस विषय पर नहीं जाना, उनकी अपनी राय है। लेकिन ये कड़वा सच है जिसको हम दिल से स्वीकार करते हैं और सम्मान करते हैं कि हमारे पूर्वज ठाकुर जसवंत सिंह थे, जिन्होंने, सुन लीजिए, जिन्होंने अपनी मर्जी से घर वापसी की। क्योंकि हमारा यह धार्मिक बिलीफ है कि दुनिया में जो कोई पैदा होता है मुसलमान पैदा होता है, और आदम अलैहि सलाम जो उसको उनको सब मानते हैं वो भारत में आए, तो पूरी दुनिया जो है वो भारत से शुरू हुई है। हमारा भारत तो इतना महान है। दूसरी बात, ऋषि सुनक जी ने कहा जय सिया राम, और आज हमारे यहां लोग दुर्भावना में नारा कौन सा लगाते हैं, जय श्री राम। कब लगाते हैं? सम्मान करते समय नहीं, गरीबों की हत्या करते समय, बेसहारों को मारते समय। राम मंदिर का जब शिलान्यास करने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने जय सिया राम का नारा ही लगाया था। अच्छी बात, तब तो आप छाती पीट रहे थे। नहीं, कभी नहीं, हैं। नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं उठा रहे थे। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, गुलाम नबी आजाद ने एक बात बोली तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए कि क्या है, तो मैंने शेख अब्दुल्ला साहब की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। उन्होंने भी बोला है कि हमारे पूर्वज भी हिंदू ही थे। और तो और आपको बताऊं, बेनजीर भुट्टो की जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी थी आज से 25-30 साल पहले, डॉटर ऑफ द ईस्ट, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पूर्वज राजस्थान के राठौड़ से। बहुत सारी बातें ऐसी, इसमें कहीं कोई किंतु परंत की गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो अपनी सियासत की दुकान, तो नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान वाली, मतलब दुकानदारी तो है ना, उनकी दुकानदारी चलती रहे, इसलिए वो भारत से अलग आइडेंटिटी भारत के भिन्न भिन्न मजहब के लोगों की बनाकर रखना चाहते हैं, ये एक समस्या है। जबकि मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हिंदू धर्म की वास्तविकता और श्रेष्ठता साबित हो रही है। जैसे राम मंदिर की हकीकत रडार मैपिंग से आई, आज सर्वे के ऊपर काशी विश्वनाथ पर रोक इसीलिए लगाने की बात कही जा रही है। सरस्वती नदी नासा की पिक्चर से दिखी थी, राम से तो उससे दिखा था, वैसे ही अब जीनोम सीक्वेंसिंग की बात आपने कोरोना वैक्सीन के समय बहुत सुनी होगी। इवन अमेरिका ने घोषणा की है कि ऑलमोस्ट ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट मैपिंग हो गई है। जिस दिन ह्यूमन जीनोम की मैपिंग हो जाएगी, एक दौर ऐसा आएगा कि जैसे आज आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होती है, 15-20 साल बाद डॉक्टर कहेगा अपना जेनेटिक मैप लाओ, और जब जेनेटिक मैप लाएंगे तो तय हो जाएगा कि हिंदुस्तान के किसी मुसलमान का कोई जेनेटिक कनेक्शन भारत से बाहर नहीं। भाई एक और बात आपको बात बताता हूं, मैं पहले भी यह बात कह चुका हूं कि मुगल की शुरुआत बाबर से होती है, जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। मैं चुनौती से कहता हूं सब अपना डीएनए टेस्ट करा लें, किसी का मंगोल और उज्बेक डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं निकलने वाला, सब भारतीय हैं, भारत माता की संतान है। परंतु अफसोस, पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने एक बात कही थी ना, जय सिया राम, जय श्री राम, यह बहुत लोग बोलते हैं। अरे जय श्री राम का नारा कब था? जब राम मंदिर राम लला के लिए था। भाई अभी तो राम लला थे, बालक राम थे, सिया राम तो तब आएंगे जब युवा होकर विवाह होगा। तो जब तक राम लला है तो जय श्री राम ही होगा, और जिस दिन राजा राम बनेंगे तो जय सिया राम होगा। और एक लाइन और कह दूं आपसे, अभी आपने एक लाइन बोली ना, जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। मुझे याद है राम मंदिर आंदोलन के समय वह पंक्ति गवाई गई थी, मैं जब गया था ताला खुलने के संकल्प लेके, तो उसमें कहा गया था, जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है सांसों में तो प्राणों का घट रीता है, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज आप देखिए, एक लाइन पूरी कर दूं, लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है, लंबा हो गया, मगर एक लाइन, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालों कर काला, ये मनुष्य नहीं भगवान थे, काल के काल थे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा साजिद रशीदी, साजिद रशीदी, गुलाम नबी आजाद ने जो कहा सही कहा, क्या आपको लगता है उनकी बात से आप सहमत हैं? क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में यही लिखा है।
देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नेता और अभिनेता, इनका कोई दीन धर्म नहीं होता। ये कब कहां कल्टी खा जाए कुछ कह नहीं सकते, सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे शादाब ने भी कहा, सब जानते हैं हिंदुस्तान में 90% लोग कन्वर्टेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कन्वर्ट होने के बाद में जब ये कन्वर्ट हुए क्यों थे, मैं ये जानना चाह रहा हूं। क्यों का क्या मतलब है, सवाल है नहीं, क्यों का क्या मतलब है, सवाल है। अगर एक आदमी हिंदू से मुसलमान है तो क्यों का क्या मतलब हुआ, तो मेरा सवाल है कि क्यों हुए थे। आस्था उसमें जागी तो मुसलमान हो गया। अच्छा। भाई किसी की आस्था क्रिश्चियन में जाग रही, वो क्रिश्चियन हो गया, क्यों का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो इस्लाम में अलाउड है ऐसा करना, क्यों तो ऐसा हुआ। जैसे नहीं, अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है कि साहब ये पैदा क्यों हो गया, अरे हो गया भाई, ऊपर वाले ने दे दिया। हमें पता बच्चा कैसे पैदा हो रहा है, बताने की ऐसे नहीं, क्यों वो पता है कन्वर्जन के लिए पूछा है, बच्चा तो पैदा हो रहा है, पता है कैसे पैदा हो रहा है। बहुत विद्वान मानता था आपको, जब हमने मान लिया कि हाँ कन्वर्टेड है, अब कन्वर्टेड क्यों है उस पर मत जाइए। जो आदमी इस्लाम में, कोई ऐसी बात छुपाना चाहते हैं, जो छुपाना नहीं चाहता, छुपाने का क्या मतलब है इसमें, तो बता दीजिए। फिर आप एक बेतुकी बात बोल गए। बेतुकी नहीं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मुसलमान हूं, मुझे गर्व है। और मैं सीना ठोक के कहता हूं, 156 इंच का सीना लेके कहता हूं मैं मुसलमान हूं। 156 इंच का? यस, 56 नहीं, 156 इंच। और मुझे कोई रोक नहीं सकता इस पर, और मुझे रोक नहीं सकता इसमें कोई। जी जी, आपने अपनी बात को रखा। सबसे बड़ी दिक्कत, मेरी बात पूरी तो नहीं होने दी आपने, सुधांशु जी को बोलने दिया आपने, आपको भी पूरा बोलने दिया, और मुझे एक सेकंड नहीं बोलने दे रहे, क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूं और सत्य काला होता है। आप भी तो सच बोल रहे हैं, निगला नहीं जाता। बाकी कौन सच बोल रहा है? सच निगला नहीं जाता, बहुत मुश्किल से निगला जाता है। अभी सुधांशु जी जो है फिर मुस्लिम देशों पर पहुंच गए। हम हिंदुस्तानी है मेरे भाई, हिंदुस्तान की बात करो ना हमसे, मुस्लिम देशों में क्या, और हम तो नहीं बैठ के बात करते हैं यहां क्या हो रहा है। अगर मुस्लिम देशों की बात करो तो मैं आपको एक सत्य बताता हूं आज। देखिए, मैं अभी हज पर होकर आया हूं सर, वहां हजारों लोगों का मजमा था, एक 10 रियाल किसी का गिर गया, किसी का गिर गया होगा बेचारे का, किसी आदमी ने उसको हाथ नहीं लगाया उठाने के लिए। क्यों? पता है कि अगर ये उठा लिया, चोरी हो गई, तो हाथ काटा जाएगा। बिल्कुल, इतने सख्त कानून है वहां, मुस्लिम देशों की बात कर, वहां रेप नहीं हो सकता जैसे यहां रोजाना होता है ना। जैसे मणिपुर के सीएम ने कहा है कि ये काम तो रोजाना होते हैं यहां, एक पत्रकार तो के जवाब में क्या चाह रहे हैं आप? शर्म की बात है, आपके बीजेपी के नेता हैं, तो वहां नहीं होता ऐसा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यहां की सरकारें ईमानदार हो जाएं तो फिर यहां वहां की सरकार ईमानदार है, यहां की सरकार बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल, किसका हाथ काटने वाला? चोरी नहीं होगी करके देखो आप। ठीक ठीक है, मैं एक लाइन इस पे बोल दूं, चोरी नहीं होगी करके देखो आप। रफीक शदानी है, बहुत पुराने शायर हैं, और मतलब वो अक्सर अवधि भाषा में कभी अच्छी बात को मान लेना चाहिए। बहुत अच्छी उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि यहां पर तो हाथ की इधर उधर उठा कोई रख लेता ना, कहीं झुम्मन से कल कहीं बफाती, सोच समझकर हज पर जायो। झुम्मन से कल कहीं बफाती, सोच समझकर हज पर जायो, हियां की लबजब हुआ न चली है, आपन आपन हाथ बचायो। आप अपना सही तो है, आप अपना सही निकाल के जाना पड़ेगा। जो बात मैंने कही वो इन्होंने कहा, एक झुम्मन है जो आप अपना हाथ बचा के आए हो। अरे भाई, देवकीनंदन ठाकुर जी, आप जाने माने कथावाचक हैं, देश विदेश में कथा पढ़ने के लिए जाते हैं, ये गुलाम नबी आजाद साहब ने जो ये बात बोली है, ये आज पता लगी है या ये पहले से ही पता थी? ये लोग तो पहले से ही जानते थे। बार बार नारे मत लगाइए, मेरा निवेदन है। मेरे पूर्वज कौन है ये तो मुझे पता ही होगा ना, और आज हम सबके सामने इन्होंने एक्सेप्ट भी किया, और ये एक अच्छी बात है कि ये आजकल, पहले नहीं मानते थे, अब मानने लगे हैं, और मानने लगे हैं इसलिए हम सभी सनातनियों को हृदय से इनका धन्यवाद और स्वागत करना चाहिए कि एक अच्छी बात है कि ये हमारे एक डीएनए भी एक है। इनके पूर्वज चाहे 3 पीढ़ी पहले रहे, उन्होंने रामकृष्ण सबकी पूजा की होगी, जैसे जैसे तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। और सनातन में जैसे अभी आप दिखा रहे हैं सनातन का सम्मान, आप एक देख लीजिए कि ब्रिटेन जो सब पर राज्य करता था, आज वहां पर एक सनातनी प्राइम मिनिस्टर है, और वो सनातनी प्राइम मिनिस्टर किसी देश पे आक्रमण करने का ऑर्डर नहीं दे रहा है, बल्कि अपने यूथ को, अपने समाज को या अपने देश को आगे ले जाने की जिद कर रहा है, और तमाम क्रिटिकल कंडीशनों से लड़ता हुआ अपने यूथ को भी आगे बढ़ा रहा है, अपने देश को भी आगे बढ़ा रहा है। ये सनातन की ताकत है, किसी को हट नहीं करता पर आगे बढ़ाता है।
सनातन का मतलब है था है और लेकिन हमारे जी लेकिन हमारे देश के अंदर एक मेरा सवाल है और वो ये है कि ऋषि सुनक ने तो बोला कि मैं बतौर प्रधानमंत्री नहीं बतौर हिंदू यहां आया हूं और लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर इस बात को बोल दें योगी आदित्यनाथ सीएम है वो बोल दें गृहमंत्री अमित शाह है वो बोल दें तो तूफान खड़ा हो जाता है ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा कॉमनल कोई नहीं है। देखिए एक बात बताइए कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट पे हो आप हो मैं हूं आप हो नेता हो जज हो वकील हो पुलिस वाला हो नेता हो अभिनेता हो कोई भी हो उन सबका कोई ना कोई तो धर्म से कनेक्शन है। एक बात मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं सब लोग सुन लें जी जो मनुष्य जिस धर्म में पैदा हुआ है और अगर किसी पद पर बैठकर उसको वो नहीं मानता है इसका मतलब ही है कि वो अगर उस धर्म को नहीं मानता है इसका मतलब उस संविधान की कसम को भी नहीं मानेगा। और जो जी जो देश के जो अपने धर्म की कसम नहीं मानता अपने संस्कारों को नहीं मानेगा धर्म क्या सिखाता है झूठ मत बोलो धर्म क्या सिखाता है चोरी मत करो धर्म क्या सिखाता है करप्शन मत करो धर्म क्या सिखाता है किसी को दुख मत दो अगर राजनेता हो के जज हो के पुलिस वाला हो के आप पत्रकार हो के मैं कथाकार हो के इन चीजों को मानूंगा तो इसे देश का हित होगा कि बुरा होगा। लेकिन देखिए ये तो आइडियल सिचुएशन आप बता रहे हैं लेकिन देश के अंदर तो सवाल खड़ा कर दिया जाता है मैं उसी सवाल के ऊपर आ रहा हूं जो लोग सवाल खड़ा करते हैं उन पे सवाल होना चाहिए जी। कि तुम झूठ का सपोर्ट कर रहे हो इसलिए तुम लोग झूठे हो और जो सत्य को लेकर चलता है और हर जगह गर्व से कहो कि मैं सनातनी हूं। राजकुमार भाटी जी बड़ा सवाल इस समय यह है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ताउम्र मतलब ताउम्र से है कि समाजवादी पार्टी ताउम्र यही बात करती रही कि बीजेपी कॉमनल है क्योंकि वो राम मंदिर को बनाने की बात करती है क्योंकि वो अपने कार्यक्रमों में जय श्री राम के नारे लगाती है। अब तो जय सिया राम का नारा ऋषि सुन्नक भी लगा रहा है और वो कहता है कि मैं पहले हिंदू हूं बाद में प्रधानमंत्री हूं क्या कहिएगा आप। हमारा तो पूरा जीवन चला गया हम तो बचपन से हमारे बुजुर्ग हम सब जब आपस में मिलते हैं अभिवादन करते हैं तो हम तो राम राम जी कहते हैं हाथ जोड़ के। राम का विरोधी कौन है समाजवादी पार्टी कहाँ राम की विरोधी है। आप आज का विषय बहुत गंभीर है और इस पर गंभीरता से ही चर्चा होनी चाहिए। इसे हम अगर गंभीर बातों को ठीक ढंग से समझेंगे अभी तक बड़ी पॉजिटिव बातें कही गई हैं बड़ी सकारात्मक बातें कही गई हैं वो भी मान रहे हैं ये भी मान रहे हैं ये भी मान रहे हैं स्वामी जी भी मान रहे हैं मैं भी मान रहा हूँ आप भी मान रहे हैं कि हम सबका DNA एक है हम सब एक हैं। पूजा पद्धति अलग हो सकती है पूजा पद्धति एक परिवार में भी अलग अलग होती है। पूजा पद्धति अलग होने से कोई दुश्मन नहीं हो जाता शत्रु नहीं हो जाता। जब हम ये मान रहे हैं हम सब एक हैं तो फिर लड़ाई काहे बात की है। ये कॉम्युनल का आपका सेकुलरिज्म की का क्या मामला है मैं बताता हूं। आपका शो है कि सनातन का सम्मान सेकुलर परेशान जी पहली पंक्ति तो बहुत बढ़िया है सनातन का सम्मान हमें भी खुशी है क्योंकि हम भी तो उसी से जुड़े हुए हैं जी सबको खुशी होगी। हर आदमी के अंदर गर्व अपने धर्म के प्रति अपने समाज के प्रति अपने देश के प्रति हर व्यक्ति के अंदर गर्व होता है। लेकिन दूसरी पंक्ति बिल्कुल गलत लिखी है सेकुलर परेशान कौन सा सेकुलर परेशान है सेकुलर तो ऋषि सुनक भी है और जो हमारे कथावाचक हैं वो जो है मुरारी बापू को मैंने बहुत सुना है। मुरारी बापू एक बहुत बहुत ही अच्छे कथावाचक बहुत ही विद्वान और बहुत सुंदर तरीके से कथा कहते हैं। मुरारी बापू के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं। मुरारी बापू अपनी कथा में हिंदी के कवियों को भी बुला के सम्मानित करते हैं उर्दू के शायरों को बुला के भी सम्मानित करते हैं हिंदू मुसलमान का भेद ही नहीं करते वो कबीर के पद भी सुनाते हैं वो उर्दू शायरों की शायरी भी बीच बीच में बोलते हैं वो खुद अपने आप में सेकुलर हैं और ये देश सेकुलर है देश का संविधान सेकुलर है। सेकुलर सनातन की कोई लड़ाई नहीं है। सेकुलर का मतलब है सब धर्मों का सम्मान करो जी कानून का पालन करो संविधान का पालन करो। जब धर्म चरितमानस का आपके नेता सम्मान ही कर रहे हैं मैं बता दूं सेकुलर होने के नाते उसमें बता दूं फाड़ के जला रहे हैं धर्म को ध्वंस की तरह यूज किया जाता है। किससे करा यूज करते हैं बहुत लोग जैसे कि जय श्री राम बोल के पिटाई करते हैं कि जय श्री राम बोल कि दर्जनों वीडियो घूम रहे हैं सोशल मीडिया पर कटाई करते हैं जैसे कि ये क्या हुआ हमारे अगर हम सनातनी है और हमें अपने धर्म पर गर्व है जी तो हमें स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद जैसे संतों से शिक्षा लेनी चाहिए। हमें बिट्टू बजरंगी और मोनू कौन ले रहा बिट्टू बजरंगी से कौन ले रहा है प्रेरणा बिट्टू बजरंगी से महाराज ये राम का राम और कृष्ण नाराज हो रहे हो आप यहां का युवा राम और कृष्ण से प्रेरणा लेता है इन लोगों से नहीं। पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू अब आप सुनना पड़ेगा अब पॉइंट नंबर टू मैं आपके बाद सुधांशु आपका जवाब जरूरी है मेरा जवाब पूरा हो जाए नहीं नहीं ये बोलिए बोलिए अमीश जी आप इस बात पर क्यों नाराज हो मैं तो नाराज भी हो रहा हूं आप पक्ष क्यों बनते मैं तो राम और
अरे भगवान राम की बात आप वकील की तरह खड़े हो जाते हैं। मैंने तो नहीं कहा कि बिट्टू बजरंगी मोनू माने सर से आप ले रहे हो शिक्षा, आपने बोला लोग ले रहे हैं, ले रहे हैं कुछ आपने बोला, उन्होंने वीडियो डाल डाल के कहा है कि वहां आ रहे हैं हम और वो यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे लोग हमारे आदर्श कभी नहीं हो सकते, और अगर ऐसे लोग हमारे आदर्श हैं तो वो धर्म गड्ढे में जाए। तो आपने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आदर्श माना हुआ है? नहीं स्वामी प्रसाद सम्मानित नेता है, हाँ तो प्रत्येक लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म ग्रंथ की जगह देखे ना स्वामी दूध का दूध और पानी का स्वामी प्रसाद मौर्य कोई धर्मगुरु नहीं है। आप राजनीति और धर्म को एक जगह क्यों मिला रहे हैं? क्यों नहीं मिलाऊंगा? नहीं नहीं आप क्यों नहीं मिलाऊंगा? अरे नेता ने मिला, अगर मिलाए तो आप गलती कर रहे हो, आपके नेता ने मिला है तो गलती कर रहे हो। देखिए इन्होंने बात कही, वहीं से मैं कहता हूं जो धर्म गुरु नहीं है उसको धार्मिक विषय पे नहीं बोलना चाहिए, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर नहीं हो तो डॉक्टरी पे मत बोलो, इंजीनियर नहीं हो तो इंजीनियरिंग पे मत बोलो, इकोनॉमिस्ट नहीं हो तो इकोनॉमिस्ट पे मत बोलो, नेता हो तो कहो हां मेरा ये नेता के रूप में विचार है, आप धार्मिक ग्रंथ पे क्यों टिप्पणी करने लगते हैं? और दूसरा इन्होंने जो एक बात कही, जवाब ले लेना, मैं याद दिला, हां मैं बिल्कुल दूंगा आपको मौका दूंगा। इन्होंने कहा 50 सेकंड, हां रुकिए, इन्होंने कहा कि मुरारी बापू की कथा में वो ये भी बोलते हैं, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं आप कितने मुस्लिम बताइए जो कि संस्कृत के श्लोक भी कोट करते हो, मैं बताता हूं मगर जो कोट करने लगता है उस दिन सेकुलर कहते हैं मेरे से मतलब नहीं है भाई। आरिफ मोहम्मद खान साहब कितने शानदार शानदार बातें कोट करते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूं तुरंत वो बाहर हो जाता है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान जिन्होंने पहली शहनाई बजाई थी भारत की स्वतंत्रता पे जब अंतिम समय वो बीमार थे, यूपीए की सरकार थी और यूपीए उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में रहकर पूरा इलाज करेंगे, उन्होंने कहा नहीं अब तो मैं काशी में ही जाऊंगा, उन्होंने क्या कहा चना चबेना और गंगा जल जो देवे करतार, काशी छोड़ना जाइए जहां विश्वनाथ दरबार, उसको भारत रत्न कब मिला 2001 में, 50 साल से कुलर शासन में कभी नहीं मिला। इसलिए और सुनिए महात्मा गांधी ने कहा था ना ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बिरला मंदिर में उस जमाने में गवा दिया था, मैं चुनौती से कहता हूं किसी मस्जिद में गवा देखो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये जो आप सेक्युलरिज्म की बात कहते हैं सेक्युलर परेशान जी और सनातन का सम्मान इसलिए कहा जाता है, बहुत समझ समझ के बोलने की बात होती है। और मैं सनातन सम्मान में एक और बात कहता हूं, हम एकमात्र ऐसे धर्म हैं जिसकी की तारीफ साइंटिस्टों ने की है जो हमारे धर्म को नहीं मानते। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बोला है, बताओ भाई उस धर्म को न मानने वाले किसी साइंटिस्ट ने बोला हो, साइंटिस्ट ने बोला हो धर्म ग्रंथ को, और वो भी जो उस धर्म को न मानता हो। इरविन श्रोडिंगर ने बोला है अपनी किताब बहुत में, लंबा हो गया, और तो सुनिए फिट्ज़ कैप्रा ने बोला है, वर्नर हाइजनबर्ग ने बोला, मैंने चार बताए, बताइएगा दो को। ओके ओके, इसलिए सम्मान की बात ठीक है जी जी जी। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे शिक्षित और विद्वान प्रवक्ता माने जाते हैं, तो मैं ये तो नहीं मानता कि इन्हें ज्ञान नहीं होगा, इन्हें जानकारी है लेकिन जानपूझ के छिपा रहे हैं। इन्हें यह भी पता होगा कि इकबाल साहब ने लिखा था कि है राम के वजूद पे हिंदोस्ता को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद, राम की प्रशंसा में इकबाल ने भी शेर लिखे हैं। और जो रसखान थे, रसखान ने क्या लिखा था, मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, श्री कृष्ण की स्तुति में उन्होंने छंद लिखे हैं। आज तो ऐसा नहीं है कोई मुसलमान नहीं कहता, मुसलमान भी राम को मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, हिंदू भी मुसलमानों का सम्मान करते हैं, इसी से देश मजबूत होगा। ये जो लड़ाने की राजनीति है, ये जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए घृणा फैलाई जाती है, लड़ाई कराई जाती है, फैला रहा है घृणा, एक मिनट कौन फैलाता है आपको नहीं पता, आप बता दीजिए, आरएसएस और बीजेपी फैलाती है। अच्छा, आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा ये है कि लोगों को लड़ाओ, जाति के नाम पर लड़ाओ। ये जो यहाँ का झगड़ा मेवात का किसने शुरू किया, आरएसएस ने शुरू किया, आपने बोला राजस्थान में जो गुर्जर मीणा लड़ाई किसने लड़ाई, आपने आरएसएस में लड़ाई, आप आज अगर मणिपुर में अगर मेहतई और कुकी लड़ रहे हैं किसके लड़ाई हुए, बीजेपी के लड़ाई हुए, आरएसएस और बीजेपी हमारे साथ दंगे कराती है, आरएसएस मुझे एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जनाब ने बोला कि आरएसएस और बीजेपी लड़ा रही है सब लोगों को, 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो आरएसएस और बीजेपी लड़वा रही थी, बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था तब, उससे पहले जब देश का बंटवारा मांगा गया किस आरएसएस और बीजेपी का जन्म हुआ था, हाशिमपुरा दंगे हुए किस कौन सी बीजेपी थी, अब सुनिए सुनिए सुनिए, मलियाना दंगे हुए कौन सी बीजेपी थी, कई सारे सवाल हैं, आप दूर जाइएगा जवाब भी आ पाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी आपका देखिए दो राष्ट्र का सिद्धांत आरएसएस और हिंदू महासभा ने दिया था, सावरकर ने दिया था, जवाब चिन्ना ने बाद में मांग की थी दो राष्ट्र की, यहां पर तो बड़ा प्यार मोहब्बत है जी। पहले इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही भी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, इन्होंने नाम लिया रसखान का, उनका नाम था सैयद इब्राहिम रसखान, बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे, और जिस इन्होंने कविता बोली वो थी कि रसखान कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, यानी मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो रसखान क्या करे क्या बनू, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन,
गोकुल में ग्वाल बालों के बीच में, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, पशु के रूप में दूसरा जन्म हो, चरौ नित नंद की धेनु बजारन, तो गाय बनू नंद बाबा के, और पाहन हो तो वही गिरि को पत्थर बनू, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण गोवर्धन पर्वत पे, और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंद कूल कदम की धारण, यानी पक्षी बनू तो उस कदम के वृक्ष पर जिसके नीचे भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, अगला जन्म मानने वाला व्यक्ति जो कहे कृष्ण भक्त के रूप में अगला जन्म लूं, इस्लाम के हिसाब से सही है कि खारिज? अभी दूध का दूध पानी का चालाकी है, दूध का दूध चालाकी है, फतवा जारी हो जाता सदा से, सवाल खान पर फतवा जारी हो जाता, अच्छी आप भी नहीं बचेंगे सदा सदा सदा, इसीलिए मैंने कहा एक एक सदा पर जाने अमीश रसगान ने तरीके याद करो, शेष व्यस्त शेष महेश दिनेश गणेश महेश जाय निरंतर गावे, रसगान ने तो यह भी कहा, आप सुनिए उसके आगे क्या, यही अनादि अनंत अखंड जाय अनादि अखंड अछेद अभेद सुफे वेद बताइए, वेद अनादि है और उसका क्यों जवाब मांग रहे हो, जी खान का बात जी आगे का दूध जी ए शिक्षा क्यों जवाब मांग रहे हो, रसखान का बात करो सर सर सर, रसखान को मानते हैं अब या तो ये भी, अगर आज कोई मुस्लिम कह दे कि वेद अनादि अनंत अखंड है, कोई कह दे मेरा आज भी बहुत है कहने वाले, आज भी बहुत है, ठीक है आज भी बोल ओके शराब चौहान है, मैं एक के पास मैं शराब चौहान आपके आपके पास आता हूं फिर देवकी नंदन जी और आपके पास आऊंगा मैं, ऋषि जी साहब शराब चौहान जवाब जो सुधांशु जी पूछा और एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं आपसे, क्या गुलाम नबी आजाद साहब अभी भी सेकुलर है? मैं तो कह रहा हूं कि वो गुलाम नबी से गुलाम भागवत हो गए, क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन उनको जिस चीज के बारे में शिक्षा होगा गुलाम गुलाम नबी से लेकर के गुलाम मोहन भागवत तक का सफर, उन्होंने क्योंकि वो तथ्यहीन बात कर रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि किसी का इतिहास इतने साल पुराना है, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा ये बिलीफ है, उनको नहीं मालूम उनका बिलीफ ही नहीं है कि जब से दुनिया बनी है तब से इस्लाम है, हिंदू और मुसलमान सब प्यार से रह रहे हैं, आप कहे मथुरा का विवाद लेके आगे पड़ पड़े, कहे आप ज्ञान वापी क्यों लेकर इतनी चर्चा कर रहे हैं, इतना प्यार है, प्यार से मांगेंगे सब दे देंगे, निवेदन है मेरा, क्या बात कर रहे हैं आप, मोहब्बत है, मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, आप क्या बात करें, मांग के तो देखिए जनाब, दुकान में हमारी जगह नहीं है अमीश जी, अच्छा नहीं नहीं हमारी जगह नहीं उस दुकान में, मोहब्बत की दुकान नहीं नहीं उसमें हमारे लिए कोई जगह नहीं, अगर जगह होती तो माने सर जेल में होता, अच्छा ठीक तो उससे हमें रिलेट अच्छा, ठीक ठीक है, ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने काली जैकेट पहनी, मैं नाम नहीं, शदाब जी शदाब शदाब चौहान साहब, हम चौहान साहब कहेंगे, प्यार की बात है चौहान साहब से, हम एक निवेदन कर रहे हैं, अभी इन्होंने क्या कहा कि कब से जब से धरती बनी है तब से क्या है, है क्या वो कहां पे, थोड़ा हमें बता दें, थोड़ा उसको हम पढ़ लें, हाँ नहीं नहीं बता आप नहीं, मेरा जिनसे क्वेश्चन निवेदन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, 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 नहीं आपकी बात, मेरा कुछ और बोलना ही नहीं मुझे, ये सिर्फ वो किताब बता दें और कहां पढ़ना है कि हम लोग सब क्या नाम है उन्हीं के पे उन्हीं के हैं क्या, ठीक ठीक कुछ आप सुन लीजिए पूरी बात मेरी मुकम्मल, हाँ जब ईश्वर ने इस दुनिया को, ईश्वर मत कहिए उसे, सुन लीजिए ईश्वर कहेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा मामला, हाँ नहीं हमारे सुनिए ठाकुर जी, नहीं हमारे आप डीएनए तो एक ही है, अरे आप अगर मेरा सुनिए सुनिए, हाँ आई रिस्पेक्ट अलॉट ऑफ रिस्पेक्ट माई रिलीजन सनातन धर्म, और मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने भागवत पढ़ी है, भागवत उदाहरण है कि इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, वो मूर्ख है जो हमें ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज ना कोई बंदर है ना कोई आदम है, हमारा पूर्वज भगवान नारायण है, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, और महाराज मनु की संतान होने के नाते मानव कहलाए, इसलिए हमारे इस पूरे गणित में डीएनए एक होगा, आपने बीच में चेंज किया होगा कुछ, हमारा डीएनए नारायण से चल रहा है और आज तक वही है, सुनो अभी 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 ठाकुर जी ने कहा कि हमारा डीएनए, वो आपका बिलीफ है आपको मुबारक, मेरा ये रिलीजियस बिलीफ है कि जो दुनिया में पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, लेकिन किसी को इंपोज नहीं करते हम, ये देश है हमारा, मैं रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी है, ब्रेक के बाद कुछ जोरदार सवाल होंगे और ये चर्चा भी जोरदार होगी, आप देखते रहिए ये देश है हमारा, पशु की पूजा करेंगे आदमी का सिर काट देंगे, किसको सिर काटा भाई, आदमी का बड़ा पैसा करते हो, सर पंथ के अंदर जा रहे हो, हिम्मत तो खाने की और काटो तो खाओ, वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे पॉपुलर कार्यक्रम ये देश है हमारा, मैं ठाकुर साहब की एक बात का जवाब देना चाहता हूं।
सबसे पहला जो मैसेंजर ऑफ गॉड आया वो हिंदुस्तान में आया, ये मेरा बिलीव है। आपका मैं आप नहीं कहता कि आप भी मानो, मैं नहीं कहता ठाकुर साहब को ये भी माने, लेकिन ये कह देना कि साहब मुसलमान कुछ नहीं है, इस्लाम कुछ नहीं है, किसी ने और सनातन सब, ये मैं मानता हूं ये गलत है, ये नहीं बोल रहा, किसी ने बोली नहीं है, अपनी अपनी आस्था सबको प्यारी है। आज ऋषि सुन्नक कह रहे हैं कि मैं बतौर प्रधानमंत्री नहीं बतौर हिंदू आया हूं, आज गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि हम सब पहले सनातनी थे, हम कन्वर्ट हो गए, शेख अब्दुल्ला की बायोग्राफी है, तो मानिए ना कन्वर्ट हुए, या तो किसी लालच में हुए या किसी डर में हुए, ऑप्शन तो यही थी। एक मिनट वो लाइए, क्या आप 50 का 100 का एफिडेविट ले आइए, उसमें साइन कर देंगे, किस बात के लिए एफिडेविट ले, हाँ कन्वर्टेड है, सिर्फ 20 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूँ। आज इस बहस में एक बहुत काम अच्छा हो गया कि सबने एक्सेप्ट किया कि हमारा DNA एक है। रुके, अब एक और बात निश्चित हो जाती है कि हमारे पूर्वजों ने कभी ना कभी तो भोले बाबा की और श्री कृष्ण की पूजा की होगी, तो हम आप सबसे आज आप ही के चैनल के माध्यम से शांति वार्ता के माध्यम से शांति मैसेज हम आप सबको हाथ जोड़ के दे रहे हैं, इसमें हमारे कोई द्वेष भाव नहीं है। हमारे श्री कृष्ण को उनकी छवि को औरंगजेब ने कृष्ण मंदिर तुड़वाकर उनकी छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया है, बस चेक हो जाने दो है कि नहीं है, तो वो हमें दे दीजिए, अगर नहीं है तो उसमें जो नुकसान होगा हम आपको लाकर देंगे, हम देंगे उसे सीढ़ी बनवाएंगे, बस DNA ने कभी ना कभी तो उन्होंने भी पूजा की है ना हमारे पूर्वजों ने, तो मतलब सब अगर कन्वर्टेड है तो जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, अब जब हम लोग मान लेते हैं कि सब एक है, तो गुरु गोलवलकर जी ने कहा था ना, ये देश उन सब का है जो इसको पुण्य भूमि भी मानते हैं और पितृ भूमि भी मानते हैं, यानी पूर्वज भी मानते हैं, मान लिया तो एक बड़ी अच्छी बात जानते क्या है, जब हम सब यहां के हैं तो ये विदेशियों के लिए हम क्यों लड़ रहे हैं, जो स्वामी जी ने कहा भाई औरंगजेब की डिसेंडेंसी तो मंगोल और उज्बेक से है, अलाउद्दीन खिलजी की बाहर से है, तुर्क अरब, भाई इस्लाम अमले रसूल है, आपने कहा नबी के गुलाम बनिए, बादशाहों के गुलाम क्यों बन रहे हैं भाई, अमले रसूल है, अमले बादशाहत नहीं, तो बादशाहों के लिए मत लड़िए, बादशाहों की खूनी विरासत को छोड़ दीजिए। हां एक पॉइंट में टेक्निकल कहना चाहता हूं, जो अभी बात कही गई, देखिए किसी के धार्मिक भावना को मैं हर्ट नहीं करना चाहता, इन्होंने कहा कि आदम अलैहि सलाम आए पहले, वो भारत में आए वो पहले थे, हम क्या कहते हैं मनु, जैसा स्वामी जी ने कहा मनु उत्पन्न हुए, अब बताइए हमारे यहां मनु की नौका है, इनके यहां क्या है नू की किश्ती, अब आप लिंग्विस्टिक साइंस से बताइए मनु से अपभ्रंश होकर नू बना होगा कि नू से मनु बना होगा, अब आप और आइए, मनुष्य शब्द मनु से बना, मानव शब्द मनु से बना, मैन शब्द मनु से बना, अब आइए सुनिए इनसे जाके देखिए, फैराहो राजा जो इजिप्ट के थे, उनका जो पहला राजा है उसका नाम है रामसेस, जाके देखिएगा, और वो कहते हैं वो सबसे पहले जिससे उत्पन्न हुआ उस राजा का नाम है MANUS, अब आप आइए मैनिस, अब आप समझिए, अब लिंग्विस्टिक साइंस से देखिए मनु से लॉजिकल है, मनुष्य भी बन सकता है, मानव भी बन सकता है, मैन भी बन सकता है, नूह भी बन सकता है, आर्क ऑफ नोवा भी बन सकता है, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। और एक और मैं बात कह दूं, आप सब लोग अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए एक वर्ड यूज कर समझते होंगे ना मैन्यूस्क्रिप्ट, ये मैन्यूस्क्रिप्ट मनुस्मृति का भ्रंश है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं, और ये मैं आज हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रहे अंग्रेजों के जमाने के, सन 1790 के विलियम जोन्स अपने जमाने में लिंग्विस्टिक वेरिएशन के थ्रू प्रूव कर चुके हैं, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, सब आए थे, पूरे विश्व की समस्त संस्कृतियों का उद्गम भारत था, कोई कहीं सारे के सारे भारत से ही आए थे, इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं जातियों का उत्थान पतन ना दिया, झड़ी प्रचंड समीर खड़े देखा झेला, हंसते प्रलय में पले हुए हम वीर, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही हमारी जन्मभूमि थी, यही कहीं से हम आए थे नहीं। जी शादाब साहब का अभी आप जवाब दे रहे थे कि रिलीजियस विश्वास, रिलीजियस मेरा विश्वास है, स्वामी जी को आप दे रहे जवाब, जब आप ये बताइए इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं है, मजहब है, पंथ है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है, मैं चुनौती से कह रहा हूं आप बता दीजिए इस्लाम अगर धर्म हो मैं बाहर चला जाऊंगा। जी जी बताइए आप, ठीक है ओके शादाब, शादाब का जवाब होगा, पहली बात आप लोगों से ले रहा हूं, अभी आपने ग्रेजुएशन तो किया होगा ना, उसमें रिलीजन का ऑप्शन आया होगा, आपने कहीं हिंदू फील किया होगा अपने आप को, क्या हिंदू मेरे विद्वान बैठे हैं सनातन धर्म के विद्वान है, सनातन धर्म तो है लेकिन हिंदू शब्द कब आया, क्या लेना देना है उसका सनातन धर्म से, वो मुझे बता दीजिए, विदेशियों ने नाम दिया उस नाम को ढो रहे, पहले अपना सोच लीजिए बाद में मेरे से सवाल करना।
बाद में मुझसे सवाल करना। आपका सवाल, आपका सवाल क्या? खड़े खड़े होके बोलिए। खड़े कहा था इंडिका ना कि हिंदू कहा था? हिंदू कहां से आया बता दीजिए सर। जी जी आप बता दीजिए, आप बता दीजिए जी जी आया हिंदू जी बताऊं आपका क्या सवाल? आगम में लिखा है हिमालय समारंभ, सुनिए बृहस्पत आगम में लिखा हिमालय समारंभ यावत बिंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान आ गया ना, हिंदू से हिंदुस्तान हुआ। अरे ठीक ठीक पाखंड हुआ है, सनातनी लोगों के साथ पाखंड हुआ है। क्या पाखंड हो रहा है? किसी वेद में हिंदू शब्द कैसे आया? ओके ओके देवकीरंदन जी, देवकीरंदन जी कुछ कहना चाह रहे? देवकीरंदन जी बोलिए बोलिए देवकीरंदन जी, मैं आपको मौका दूंगा। रुक जा भैया, ओ भैया ने रुक ला भाई, हम बैठे हैं यहाँ कुछ नहीं, एक क्वेश्चन नहीं है। ये जो काली जैकेट वाले चौहान साहब हैं जी, पाखंड का अर्थ बताएं क्या है? हाँ हाँ बता रहा हूं, पाखंड पाखंड का अर्थ वो है जो सनातनियों के साथ हुआ, टैग में हिंदू लिख दिया गया, यही सबसे बड़ा पाखंड है, यही अर्थ है। बजा ताली हाँ, और सर्च करना है। चार चार वेद है, चारों का सम्मान है, साबित कर दे कहीं मेंशनड हो हिंदू। बताइए देवकीरंदन जी बताइए, हिंदू बताइए ना। मुझे एक बात बताइए अमित जी, आप हमको पागल समझ रहे हैं? ये पाखंड बोलेंगे, पाखंड का पा नहीं पता है इनको, और ये हम सबको पाखंडी बोल के निकल गए, और आप हमसे क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, इनसे पूछ नहीं रहे पाखंड क्या है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जो आप टीवी चैनल पे बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ यहां ताली चार लोग नहीं बजा रहे, पूरी दुनिया आपको नेशनल लेवल पर देख रही है। आपको एक एक शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए, और किसी के इंसल्ट करने के लिए मत बैठो, किसी के धर्म का अपमान करने के लिए मत बैठो। पाखंड उसे कहते हैं जो परमात्मा से भिन्न है, जो है नहीं पर दिखावा करता है, जो है ही नहीं। पाखंड, मैं धर्म में रहता हूं पर धर्मात्मा नहीं हूं, इट मींस पाखंड। किसी ने कोई चाल, वो षड्यंत्र हो सकता है, वो पाखंड नहीं है। तो पहले एक शब्द जब आप बोल रहे हैं तो समझे। और यहां सनातन है, सनातन में कभी किसी का बुरा नहीं लिखा है। चौहान साहब, आपके पूर्वजों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है। अगर आपको पाखंड है, पाखंड का अर्थ समझना, तो ये समझिए कि औरंगजेब ने मेरे ठाकुर को मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया। आपको उसका विरोध करना चाहिए कि उस दुष्ट ने हमारे साथ अन्याय किया। आप उसके सुनिए एक सेकेंड, आप उनके साथ उनकी बात में बात मिला देते, इसका नाम पाखंड है। इसे पाखंड औरंगजेब को रहमतुल्ला बोलते, औरंगजेब को रहमतुल्ला बोलते आप। जी 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 जी, सवाल बड़े सारे सवाल है। हिंदू कहां है? जी जी, चौहान साहब ने बिना सोचे समझे बोला कि हम जय श्री राम गुस्से से बोलते हैं। अगर गुस्से से बोल रहे होते ना, बैठे नहीं होते यहां पे। अच्छा, मार देगा यही तो सच्चाई है। अरे भाई, हमारे सनातन पता है, मारिए मारिए, हमारे पता है, मानना तो बहुत बड़ी बात, चींटी सामने आती है ना तो चींटी को देख के रास्ता काट देते हैं। हिंदू सनातन धर्म में आपको पता भी है, वो कह रहे कि जय श्री राम क्या बात करे, बहुत बड़ी बात बोली, हिंदू 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 आप बैठे नहीं होते, बहुत बड़ी बात बोली है, खंडन कीजिए इसका। हमने किसी को कहा कि ऐसा कर देते नहीं, गलत खंडन कीजिए इसका, बोलिए खंडन कर। दूसरी चीज, जी 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 ठाकुर जी, आपको ये बताइए कि हम उसमें एक भैया चौहान साहब बैठिए बैठिए भैया बैठिए, आपने अपनी बात को रखा। देखिए, हमारे चौहान साहब से एक बात है, उसने जब ये शब्द बोला तो हमने हाथ उठाया कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए, हम सबने उठाया। इसका मतलब है हम लोग इसके पक्षधर नहीं है, पर चौहान साहब बोला, चौहान साहब उनका उसका बात का लाइन ठीक था, पहली लाइन गलत थी। नहीं जी, उसने एक बात बोली वो गलत लगी हमको, हमने हाथ उठा दिया कि ठीक नहीं है, पर हमारे भी दर्द को समझो, जामा मस्जिद की चेकिंग करवा दो प्लीज, क्योंकि आज भी वहां से प्लीज। अरे हाँ बोलो, अब सुनिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, देखिए प्यार आपने बोला, प्यार है, मोहब्बत है, तो हाँ बोलिए ना। हमसे मोहब्बत है तो अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर साहब को शादाब चौहान पे विश्वास है, नरेंद्र मोदी पे नहीं है। तो चलिए, प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो सच होगा वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम तो सत्य के साथ हैं। मोहन भागवत का मतलब ये कभी नहीं हो सकता। नहीं आप चाहते नहीं है, लेकिन लेकिन कोई धार्मिक व्यक्ति कभी नफरत की बात, झगड़े की बात कर ही नहीं सकता। जो सच्चा धार्मिक होगा वो हमेशा भाईचारे की और मेल मिलाप की बात करेगा। बिल्कुल आप कुछ लोग जो राजनीति के लिए धर्म का प्रयोग करते हैं उसमें विवाद पैदा होता है, वहीं से झगड़े पैदा होते हैं। दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है आपसे, और एक ये नहीं सर, सुधांशु जी, दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को किस कैटेगरी में डालते हैं जो रामचरितमानस को लेकर इतनी अनर्गल बातें करते हैं? और दिक्कत तब होती है जब आपके नेता उनको प्रमोशन भी दे देते हैं। नहीं अमित जी, आप गलत मानस, मैंने जब ये विवाद चला था तब भी कहा था, रामचरित मानस एक महाकाव्य है,
पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में साहित्य की श्रेणी में पढ़ाया जाता है, साहित्य सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, कहीं धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ाया जाता, नंबर एक बात। दूसरे, रामचरित मानस लिखी गई है रामायण को आधार बना के, रामायण में भी वही सात कांड है, बालकांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है और उत्तरकांड है, और यही सारे रामचरितमानस में है। जू के तू कहानी भी जू की तो रखी है, लेकिन उन्होंने, तुलसीदास जी ने कुछ अपने शब्द ऐसे प्रयोग कर दिए हैं और कुछ घटनाओं को चेंज कर दिया है। हाँ, वो स्वामी प्रसाद बजा गई, अभी तक किसी को समझ नहीं आई थी। 70 के दशक में जो हिंदी, जो दिल्ली प्रेस है, सरता मुक्ता मैगजीन निकालते थे, पूरी सीरीज चलाते थे तुलसीदास के ऊपर, के तुलसी हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास लिखते थे, और तुलसीदास ने क्या क्या गलत लिखा है। मूल वाल्मीकि रामायण की जो कहानी है उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। मूल वाल्मीकि रामायण में किसी धर्म, किसी जाति को नीच नहीं बताया गया है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, नारी का अपमान नहीं है, रामचरितमानस में भी नहीं है, नहीं है। इन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को पहली बार जानते, क्या समझ में आए? 5 साल भाजपा में समझ में नहीं आया या सपा में आते ही समझ में आ गया? पहला तो इसका कारण बहुत साफ है। और सुनिए, उससे पहले बसपा में जब रहे, दलित ब्राह्मण अलायंस था, हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश, तब भी नहीं समझ में आया। गजब के भाई स्वामी है, अद्भुत ज्ञान है। 5 साल बसपा में रहकर नहीं समझ में आता, 5 साल भाजपा में नहीं समझ में आता है, जैसे इनके साथ आते हैं सारा ज्ञान के खुलने लगते हैं। अब इन्होंने एक बात कही गंभीर, हां 70 के दशक में लिखा जाता था, और ये क्यों लिखा जाता था मैं बताता हूं। आप सबसे कहता हूं जाके आज देखिए, आज तो पुरानी आर्काइव्स खुल गई है, जाके चेक करिएगा। एक टर्म है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, ये बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा था, केजीबी का, और इसका रेफरेंस है कि मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2। आज की पीढ़ी के सामने सारा डिटेल है, और मान्यवर अब जाके पढ़िए तो हकीकत समझ में आएगी। बिल्कुल सही बात कही गई है, ये सारी बातें भारत को कमजोर करने के लिए थी, क्योंकि ये रामचरितमानस पे, क्योंकि ये रामचरितमानस पे, रामचरितमानस की बात हुई, ये रामचरितमानस की बात हुई। अब मैं कहता हूं रामचरितमानस के शब्दों, थोड़ी देर के लिए रामचरितमानस के शब्दों को छोड़िए, प्रभु श्री राम का चरित्र देखिए, जिसने शबरी के बेर खाए, वानरों की सेना बनाई, और एक ब्राह्मण, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण को का वध किया क्योंकि उसने स्त्री हरण किया था। तो राम तो चरित्रवान ही थे और मर्यादा पुरुषोत्तम ही थे, और जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, जो लोग सवाल खड़ा करने का प्रयास करते हैं रामचरितमानस पर, वो भारत की आन बान शान पर सवाल खड़ा करते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, वो लोग भारत की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, वो लोग भारत के अध्यात्म को समाप्त करना चाहते हैं। यही काम अंग्रेजों ने किया था, उन्होंने जातियों में इतना बांटा था हिंदुस्तान को कि हमारे अपने लोगों का अपने ऊपर से भरोसा हट गया था। उन्होंने इकोनॉमिकली हमें कमजोर कर दिया था और हमें अपना गुलाम बना लिया था। इसलिए जो व्यक्ति अपनी जड़ को मजबूत रखता है वो पेड़ ऊपर ही जाता है, वो नीचे नहीं गिरता। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों, अपनी जड़ को मजबूत रखो, नहीं तो कब अंत हो जाएगा पता नहीं। जी हमारा जवाब लेना चाहिए, जी जी जवाब लेना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन कर दिया। जब 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध जातिवाद का विरोध कर रहे थे, वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, तो केजीबी के एजेंट थे। जब कबीर लिख रहे थे, जब कबीर, महात्मा बुद्ध ने पूरा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। जब कबीर लिख रहे थे कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई, और जातिवाद का विरोध कर रहे थे, तो केजीबी के एजेंट थे। जब बाबा साहब अंबेडकर, अरे मैंने केजीबी, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, मैंने आपको शांति सुना, सुनिए कहां आप गलत बयान कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, आपको सुनना चाहिए, जैसे मैंने धैर्य के साथ सुना था। बाबा साहब ने, आप रहे भाई, बाबा साहब ने मनुस्मृति की होली जलाई थी, केजीबी के एजेंट थे वो। अच्छा ठीक है, आपने, जातिवाद की लड़ाई है, जाति अस्मिता की लड़ाई है, ये रुक नहीं सकती आपके। अच्छा, विषय दूसरी तरफ, बाबा साहब केजीबी का एजेंट, बाबा साहब इसमें पढ़िए, थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने लिखा है कि किस ढंग का भेदभाव होता था, क्रिश्चियन क्यों नहीं बने, वो भी बात को पढ़ो, पूरी बात बताइए। और सुनिए सुनिए बाबा साहब पाकिस्तान में पता क्या लिखा है, और क्या लिखा है पाकिस्तान में, उन्होंने लिखा है, मैं उन शब्दों को प्रयोग नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आप उसे मुद्दा बनाएंगे, ठीक है। लेकिन बाबा साहब ने, जिनकी आप वकालत कर रहे हो, रशीदी साहब, बाबा साहब ने बड़े शब्द लिखे हैं। अच्छा ये रशीदी साहब, एक सेकंड देखिए, आप लोगों के झगड़े, ये टेक्निकल में नहीं आ जाता, मैं एक बात करना चाहता हूं,
ये वही शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि हिंदू समाज में जाति विभाजित रहे। अरे नहीं बिल्कुल पशु की पूजा करेंगे आदमी का सिर काट देंगे। किसको सिर काटा भाई? आदमी बराबरों पे हिसाब करते हो सरपंच रशीदी साहब आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। रशीदी साहब आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि छाज बोले सो बोले छलनी बोले जिसमें 72 छेद। धर्म जो भी हो जिसका भी हो सबका सबका मानना है कि अपने धर्म का पालन करो। अगर ऋषि सुनक ने कहा कि मैं हिंदू हो हमें भी गर्व है उनके ऊपर। अगर हिंदू होकर आदमी हिंदू नहीं कहेगा तो क्या मुसलमान कहेगा? क्या आपको लगता है कि अपनी सभ्यता पर गर्व करना चाहिए? लेकिन जब भी कोई हिंदुस्तान में अपनी सभ्यता पर गर्व करता है तो उसको कॉम्यूनल का जामा पहना दिया जाता है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो कोई बुद्धिजीवी हो, चाहे वो कोई भी हो। मैं एक सीधी सीधी बात सभी से कहना चाहता हूं, भगवान आपको जिस धर्म में भी जन्म देता हो आपको उस धर्म की रिस्पेक्ट दिलो जान से करनी चाहिए और किसी भी पद पे पहुंचने के बाद उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य उस गद्दी को पाने के लिए अपने धर्म और अपने रिलीजन से खिलवाड़ करता है, टोपी पहनता है, पटका डलता है हरा सा, और कहीं कहीं वो जाके चादर भी चढ़ाते हैं, वो लोग जो अपने सनातन के सगे नहीं हो सके वो किसी के भी सगे नहीं हो सकते। चौहान साहब ने अभी एक बहुत अच्छी बात लग गई कही मुझे, आप कह रहे चादर और फादर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए सनातनियों को। सनातनियों को न चादर न फादर, हमारा अपना बाप है ना, जिनको चादर के लिए बनाया है वो चादर चढ़ाए, जिनको फादर के लिए बनाया है वो अपने फादर को माने। लेकिन चौहान साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही जो मुझे लास्ट पे बोलनी है। आज आप चौहान साहब के साथ ही होली है, मुझे मुझे पसंद आए, आज पहली बार ये पसंद आए। सुनो, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि पाकिस्तान से आप लड़ो हम आपका साथ देंगे, बहुत अच्छी लगी। आज वाकई इस बात पे बिलीव हो रहा है कि हमारा और इनका डीएनए एक है। तो अब अरे रुक तो जाओ, बात तो खत्म होने दो। इसलिए आज आपके चैनल से मैं निमंत्रण देता हूं कि जब डीएनए एक है तो प्लीज कम टू मी और आइए हम लोग चल के बस। शराब शराब जी 30 सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने अपनी आस्था के अनुसार कहा कि आ जाइए, मैं भी अपनी आस्था के अनुसार कह रहा हूं कि आप भी घर वापसी कर लीजिए, लेकिन कुछ भी हमारी लड़ाई हो, कुछ भी डिफरेंसेस हो, जहां बात देश की आएगी तो हम लोग एकजुट खड़े हैं। कोई ऐसा युद्ध नहीं है, मैं चार युद्ध बता दूंगा। ठाकुर जी एक सेकंड नहीं, बीच में आपको बोलना पड़ा क्योंकि आपने कहा आप घर वापसी कर लीजिए। माय डियर, घर तो आपने छोड़ा है, हमने छोड़ा है। मेरे बिलीफ के अकॉर्डिंग हर कोई मुसलमान पैदा होता है तो घर आपने छोड़ा है, उस पर बहस में मत जाइए सर। फिर चौहान हटा दो। हाँ सुन लीजिए, फिर चौहान हटा दो, फिर चौहान हटा दो। आदरणीय देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी ने जो बोला उसी में सारा सत्य है। हमारे धर्म ग्रंथ में कहा गया है, गीता में कहा गया, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, अपने अपने धर्म का पालन करो, कोई झगड़ा ही नहीं है। इसीलिए मैं अटल जी की कविता की वह प्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय की अंतिम पंक्ति करके कहता हूं, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।